मैंने पहले कहा डॉक्टर की इज्जत करता हूं, वह भी कानून के दायरे में रह के काम करे। मुझे लोग जब बोले थे कि क्या आप डॉक्टर से वोट मांगेंगे, मैंने कहा डॉक्टर से डेली मैं मिलता हूं क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। तीन हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो माफिया अपने को कहता है और जो राजनीति करता है, मैं ऐसे डॉक्टर से कभी भी वोट नहीं मांगूंगा। ऐसे नर्सिंग होम जो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक नहीं है और गलत तरीके से किसी पैथोलॉजी के द्वारा, किसी मेडिसिन के द्वारा आम जनता को फंसा करके अस्पताल में भर्ती करवाता है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैंने कह दिया बाउंसर मत रखिए, मैंने कह दिया कि किसी भी कीमत पर अस्पताल में गुंडे को मत आप नौकरी पर रखिए, मैंने कह दिया सदर अस्पताल में आप अटेंडेंट के, पेशेंट के अटेंडेंट को जो पिटवाते हैं ये काम मत करिए, आप अपने में सुधार लाइए। हम एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, हम बेटा के साथ सेवक भी हैं, कानून न्याय के लिए आए हैं और हर परिवार को न्याय देना मेरा मकसद है। न्याय के अलावे कुछ भी आप उम्मीद हमसे नहीं की। सर पूर्णिया में लगातार क्राइम बढ़ रही है, उस पर कैसे अंकुश? मैंने पहले कहा कि लोग वोट देते हैं, इस बार भी वोट दिए, पूरा प्रदेश बर्बाद हो चुका लेकिन वोट तो दिए ना बीजेपी और जदयू को। इसमें सिर्फ पप्पू दोनों की बैठक हो रही है, इस पर मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधी थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी है, ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहेगा, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े होंगे, चंद्रबाबू नायडू जी, और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाय दी वे बनेगी उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं है।